दोस्तों, आज हम संसद के विशेष सत्र पर चर्चा करेंगे। इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब, डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब, आप दोनों लोग दिल्ली से हैं, और श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी साहब वाराणसी से, श्री विश्वास उद्दी साहब मुंबई से, और मुमकिन है डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर साहब भी हमको ज्वाइन करें कुछ देर में। तो हमारे इन सारे मेहमानों का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपने ये स्लोगन सुना होगा, अब की बार शोचेबाज सरकार। मोदी सरकार हफ्ते हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा शोचा छोड़ देती है जिससे मीडिया और जनता का ध्यान बुनियादी समस्याओं से हटकर कहीं और चला जाता है। मुंबई में जब इंडिया का सम्मेलन हो रहा था और अडानी के भ्रष्टाचार पर नया खुलासा हो रहा था, तो अचानक संसद के विशेष सत्र की घोषणा कर दी गई और उसके बाद मीडिया वालों को ये जोशा मिल गया और फिर ये हंगामा हो गया। तो दोस्तों, आज की विशेष सत्र के बिल्कुल हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो प्रदीप माथुर साहब, ये बताएं कि इस बार इतने दिनों तक इसको क्यों रखा गया और अब भी ये क्यों कहा जा रहा है कि इस बार को फाइनल नहीं है। पार्लियामेंट का जो सेशन है, कोई विशेष कारणों पर ही बुलाया जाता है। जनरली ऐसा हम लोग सब जानते हैं, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। इसके बाद जब आप बुलाते हैं सेशन, तो इसलिए बुलाते हैं, कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। बहुत बड़ा मान लिया अचीवमेंट हो गया कंट्री का, या मान लीजिए बहुत बड़ी कोई भगवान ना करे कैलेमिटी हो गई बहुत ज्यादा, या मान लीजिए किसी बड़े महापुरुष को एक श्रद्धांजलि देनी है, महात्मा गांधी की मान लीजिए वो है, इस तरह की चीजें हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं था। अब आप तो ये जानना चाहते हैं कि इसको जो है क्या करना चाहिए, क्यों बुलाया गया। इसकी सबसे बड़ी जो बात तो संजीव भाई ने बताई दी, इसलिए बुलाया गया कि टू डिफ्लेक्ट, आपने भी कहा, टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम द बर्निंग इश्यूज, वो हेडलाइन बन रहे थे सब है। लेकिन ये है कि इसका जो एजेंडा की जहां तक आपने बात कही है, वो ये है कि ये डिसीजन बुलाने का इतनी जल्दी में लिया गया कि सोचे ही नहीं गया था क्या इसका एजेंडा है। मुझे लगता है कि ये पहले तय हो गया, बोला हशहश मैं कभी सेशन बुला लूं, आइडिया ये बुला लोगे तो और बातें जो पीछे पड़ जाएंगी, डेवलपमेंट है वो सब है, इसका एजेंडा क्या होगा ये बाद में तय कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा एजेंडा। क्योंकि जो एजेंडा है उन्होंने दिया है 4 बिल्स का, वो इतना मामूली था, उसके लिए स्पेशल सेशन की कोई जरूरत ही नहीं लगी तक। तो मुझे लगता है कि ये जो है एजेंडा जो है, इट इज आफ्टर थॉट, सेशन बुलाया जाए ये जो है पहले सोचा गया, क्यों बुलाया जाए ये बात में सोचा गया, ये मेरा। तो तिवारी साहब, माथुर साहब ये बता रहे हैं कि इस मामले में गाड़ी आगे रही और घोड़ा पीछे रहा, यानी एजेंडा जो है वो जनाब देख लेंगे और पहले ऐलान कर दिया। तो अब जबकि ये एजेंडा सामने आ गया, तो आपको इस एजेंडा में कोई विशेषता दिखाई दे रही है कि इसके लिए विशेष जो है वो स्तर बुलाया गया? अब देखिए सर, सच बातें हैं कि सरकार की जो मंशा है वो ये है कि विश्वसनीयता और पारदर्शिता का तो इनके दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। ये हर काम को गोपनीय तरीके से करना चाहते हैं, और गोपनीय काम आदमी तब करता है जब वो ऐसा काम करता है जो जनता के बीच ले जाने की स्थिति उनकी नहीं रहती है, जनता से छिपाना उनका मकसद रहता है। तो ये तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को सबको ये अंधेरे में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में जीने वाले जीव है। एक हमारा जीव होता है कि अपना अंधेरे में ही पेड़ पर लटका रहता है, तो ये कुछ इसी टाइप की चीज है। और संसद जो है, संसद हमारा प्रतिनिधित्व करती है, हमारे पूरे देश का, संप्रभु जनता का प्रतिनिधित्व करती है वहां हमारी संसद। और हमारे जो संसद सदस्य होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो संसद में जो कोई भी चर्चा की जाती है उसका पूरे देश को जानने का हक बनता है, या पूरे देश को जनवाने का दायित्व बनता है सरकार के ऊपर, और कि वहां क्या चर्चा होने जा रहा है, हमारे लिए चर्चा होगा, हमारे अगेंस्ट चर्चा होगा, देश पर चर्चा होगा, विदेश पर चर्चा होगा, यह जानने। और आज के युग में कोई भी समय देर नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर आप अभी बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रेस से आप संदेश आप संचारित कर लीजिए, पूरा देश जान जाता है कि क्या है।
और कोई भी सत्र बुलाया जाता है तो उसकी एक निश्चित प्रोसेस होती है। उसके पहले संसद के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं और खास करके संसदीय परंपरा में जितने राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर के मशविरा किया जाता है और वहां तय किया जाता है कि हम इस सत्र में हम क्या क्या चर्चा करेंगे और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर हमको निर्णय लेना है ताकि ये देश का कामकाज बाधित न हो। और फिर उसके बाद एक एजेंडे के तहत सबकी सर्वसहमति सर्वस्वीकृति से वहां वो सारे विषय रखे जाते हैं और उस पर चर्चा होती है। लेकिन यह सरकार तो कभी यह काम करती नहीं है, फॉर्मेलिटी में झटके में अपना बुला करके अपना लोगों को एक फॉर्मेलिटी पूरा कर देती है। लेकिन इस बार तो और हद हो गया, इस बार तो ये संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, जब कोई विशेष स्थिति होती है उसमें बुलाया जाता है। अब आज ऐसी कौन सी विशेष स्थिति है आज तक की इन्होंने नहीं बताया है। और उसके बाद संसद का कोई भी सत्र बताने से पहले एक गजट किया जाता है कि आप उसमें क्या क्या चर्चा करेंगे। इस बार के इस विशेष सत्र में उन्होंने 5 दिन का पूरा एजेंडा दिया है। अब ये सरकारी कामकाज। जब सब सरकारी ही कामकाज करना है तो आपको संसद का सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या थी? संसद का सत्र इसीलिए बुलाया जाता है कि सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बहस हो, लोग उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और वह बात केवल संसद सदस्यों का नहीं होता है, संसद सदस्यों के माध्यम से जनता अपनी बात रखती है और जनता के बीच उसके पहले उसमें क्या चर्चा होना है ये जनता के बीच प्रसारित किया जाता है। जनता भी मानसिक रूप से तैयार होती है कि हमारे लिए ये विषय रखा जा रहा है और उस पर इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन इसका दूर दूर तक नहीं है। और अभी तक अभी 18 तारीख मतलब परसों से अपना सत्र शुरू होने जा रहा है और ये जो इनकी पर्ची आई है उस पर 5वें दिन का एजेंडा दिया अपना दिया गया कि गवर्नमेंट ये सरकारी कामकाज। उस सरकारी कामकाज में क्या है, अब क्या है साहब, तो अब जनता कयास लगाएगी, अब जनता केवल अंदाजा लगा सकती है या सारे संसद सदस्य केवल अंदाजा लगा सकते हैं तो कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ा अंदाजा लगाया जाना है कि यह सरकार आतंकित है, इसको यह लग रहा है कि अब हमें जनता फिर चुनकर भेजने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे साहब, तो उसके लिए जनता में हम कैसे चुन के आ जाए जनतांत्रिक तरीके से, तो उसके लिए इनका पहला काम यह है कि ऐसा चुनाव आयोग बनाइए। वो जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की चुनाव कैसा, तो इनका पहला एजेंडा जो हमको लग रहा है कि इनका यह है कि ऐसा चुनाव आयोग बनाओ कि जैसे अब तक इनका कहना था कि वोट आप क्या जिसको डालिए पड़ेगा तो कमल को ही, भारतीय जनता पार्टी को, जीत कोई जाए नहीं ये सर्टिफिकेट तो मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को ही, और बहुमत किसी का भी हो जाए सरकार तो बनाएगी भारतीय जनता पार्टी को ही। तो इससे अलग हट करके अब इनको इस पर भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, अब इनको ये लग रहा है कि अब जनता हमको जान गई है और तो फिर ये ऐसा चुनाव आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें कि उस चुनाव आयोग से उन चुनाव आयुक्तों से ये जैसा चाहे वैसा आदेश पारित करा ले, जैसा चाहे वैसा सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो वहां व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्षी दल का नेता रहेगा मुख्य विपक्षी दल का और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, इससे बड़ी तो और कोई पारदर्शी व्यवस्था हो नहीं सकती। पिछले सत्र में इन्होंने उसको हटा करके कानून बनाने के लिए बिल लाए हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने निकाल दिया है और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का एक सबॉर्डिनेट और विपक्षी दल, मतलब है कि बहुमत से वो जिसको चाहेंगे अब वो उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो एक बात यह था कि पिछले सत्र में यह कानून केवल पेश किया गया था, अभी वह कानून नहीं बन पाया है। तो जब तक वो कानून नहीं बन पाएगा तब तक पुरानी व्यवस्था लागू होगी और अभी इनको चुनाव आयुक्त बनाना है, वही जो चुनाव आयुक्त बनेंगे वही चुनाव का संचालन करेंगे। तो एक तो चीज ये दिखाई पड़ रही है। अब उसके बाद इनका क्या एजेंडा है कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाह रहे हैं ये, तो उसमें मैं अब जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है इसमें इनकी मट्टी पलीद होने वाली है, हो सकता है कि इनके कैंडिडेट अपनी जमानत भी न बचा सके। तो ऐसी हालत में क्या है, अब एक कहावत हमारे यहाँ कहा जाता है
कि आम के पेड़ पर जब वो कुछ आम बचे रहते हैं तो बड़ा सा डंडा लेकर उस पर फेंका जाता है। पहले तो हम लोग ढेला मार करके अपने तोड़ते थे, तो एक बड़ा सा डंडा मार के फेंका जाता है और एक आ जाता है कि इतना बड़ा डंडा है तो आम पर तो लग ही जाएगा, तो अगर लग जाएगा तो आया आम या तो आम गिरेगा या हमारा डंडा ही पेड़ पर अटक जाएगा। तो ये अपने मोदी जी अभी फिलहाल वही खेलने जा रहे हैं कि आई आम चाहे जाई लबेखा, अपना उसके पीछे इन्हीं पांच राज्यों के साथ ये चाहते हैं कि लोकसभा का भी चुनाव हो जाए। और उसके लिए फिर उससे संकट ये है कि जो सरकारें अभी कुछ सरकारें 6 महीना पहले चुनी गई हैं, 1 साल पहले चुनी गई हैं, तो उसमें इन्हीं की अधिकांश सरकारें हैं। असम की सरकार है, उत्तर प्रदेश का सरकार है, अभी बवाल मचा हुआ महाराष्ट्र की सरकार में, तो उनका यह है कि एक साथ करा देने के बाद इनको ऐसा लगता है कि देश के पैमाने पर अगर कोई एक नाम चर्चित है तो वो हमारा नाम है, मोदी का नाम है, इसको पूरा देश जानता है, तो मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव तो ये नहीं लड़ पाएंगे, इनको मुख्यमंत्री तो होना नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे नाम के ऊपर मोदी नाम चूंकि परिचित है पूरे देश के पैमाने पर, तो इसलिए वोट हमारे ही नाम पर पड़ेगा, लोकसभा के लिए पड़ेगा, तो विधानसभा का भी अपना उसी झटके में हमारा पार हो जाएगा। लेकिन शायद इनको नहीं मालूम है कि बदनाम भी एक नाम होता है, तो आपकी चर्चा किस तरीके से हो रही है देश में इसको भी आप जानिए, इसको भी पहचानिए। और ये मीडिया को लेकर के जो माहौल बना रहे थे, तो मीडिया के संदर्भ में अभी तो केवल इनके 14 एंकरों को प्रतिबंधित किया है हमारे इंडिया गठबंधन ने, तब तो इनमें इतनी खलबली मच गई है। और आप जब केवल 2 लोगों से, मैं तो कहता हूं रवीश कुमार से और सुधीर चौधरी से आंख में आंख मिलाकर के आप बात नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी ही गोदी मीडिया अपने ही लोगों को आप इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी हालत में अभी तो ये खाली 14 और उसमें हवे है कि ये तो अपना भाग रहे हैं, मीडिया के सामने भाग रहे हैं, एंकरों से भाग रहे हैं। अरे हम उन एंकरों से भाग रहे हैं जो एंकर जो सही प्रश्न है उसको वो क्यों नहीं उठा करके करते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? तो ऐसे लोगों से यह जो छटपटाहट है, तो पूरे देश के पैमाने पर जो माहौल बन रहा है, ये विशेष सत्र ये शायद इसीलिए बुलाए हैं, बुला रहे हैं कि ये जो आतंकित है उनको है कि एन के एन प्रकार हम ऐसी व्यवस्था बना ले, ऐसा चुनाव करवा ले कि दुनिया में हमारी छींचा लेदर भी न हो। और ये होगी, ये तो सरकार चुन करके सरकार आई है और निर्वाचित सरकार आई है, और असली मकसद इनका यही है कि ऐसा चुनाव आयोग गठित करा देना कि वहां से सीधे सीधे अपने सांसदों को ये निर्वाचन पत्र में तो घोषित करवा दे। अभी जरा ये उद्गी साहब से इसके बारे में पूछ लेते हैं। उद्गी साहब, अभी 2 बातें तिवारी साहब ने बताई। एक बात तो ये है कि ये लोग हर चीज को गुप्त रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, इस तरह से चोर इंतजार करता है अंधेरे का, उस तरह से ये लोग इंतजार करते हैं, और अचानक जो है वो लोगों को सोचने का मौका नहीं देते और अपनी मर्जी का फैसला करवा देते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो एजेंडा बताया गया है, जिसका जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन चेंज कर देंगे और बाकी 3 छोटी छोटी बातें, इसके अलावा हिडन एजेंडा क्या हो सकता है? पहले हम जो अभी जो एजेंडा डिस्कस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मान लो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो राज्यसभा का आखिरी दिन में जो बिल पेश किया गया वो अभी इस विशेष सत्र में मान लो आ गया। अब वो ये आ जाएगा कि भाई मीडिया में जो छप के आया है कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो या अपना कैबिनेट सेक्रेटरी हो। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन कल की है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी हो सकता है। तो ये सुझाव अभी मीडिया के जरिए हमारे सामने आ रहा है। मान लो ये होता भी है, बहुमत से ये लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में ये बहुमत है नहीं उनके पास, लेकिन बीजेडी और उनके जो कुछ साथी है तो वो पास करवाएंगे। अब ऐसी हालत में जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड किया गया है, ऐसा कानून फिर वो इंडिया के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को लेके जाएंगे। अभी वो अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का 5-man bench का जो ऑर्डर है, अवार्ड है,
जिसमें ये कहा गया है कानून बनने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए, तो इस व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए ये एक स्पेशल सेशन और वो एक कानून बनने की एक संभावना है। लेकिन ये होने के बाद जब वो चैलेंज होगा, जस्ट बिकॉज इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बींग पास बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, वो चैलेंज करना बहुत आसान है और वो सेवन बेंच के पास जाएगा, सेवन मेंबर बेंच के पास जाएगा और वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो वो नॉकआउट हो जाएगा। तो ये मैटर लिटिगेशन में जाएगा और इलेक्शंस विदाउट अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो पाएंगे, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। और ये होने के बाद भी जैसे अभी तिवारी साहब कह रहे थे, माहौल इतना खराब है कि लोग ऐसे चुपचाप अपने अपने राज्यों में बैठे नहीं रहेंगे। इंडिया फॉर्मेशन के 28 पार्टी हो या कल 35 बनेंगे, ये ऐसे लॉ को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं लोग उठ के खड़े होंगे एंड पब्लिक ओपिनियन विल गो अगेंस्ट द सेंटर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑल्सो गो अगेंस्ट द सेंटर। और मैं समझता हूँ कि राम जेठमलानी के शताब्दी के दिन जो कहा गया चंद्रचूड़ साहब के भाषण में, तो ही विल डेफिनेटली गोइंग टू रिटालिएट एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर विच इज कमिंग अप इन द नियर सेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड। इसलिए मैं समझता हूँ ये सरकार कुछ भी तानाशाही के जोर पर कुछ भी करे, इस पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने का कोशिश करे, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वोंट अलाउ इट इन अ सबसिक्वेंट सिनेरियो। ये मेरा कहना है, ये मेरा मानना है। मिश्रा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी तिवारी साहब ये कह रहे थे कि ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा एक और इशू भी इस दरमियान में आया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये लोग या तो इंडिया को वहां से निकाल देंगे या कम अज कम भारत डेट इज इंडिया कर देंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये संभव है, इस तरह का संविधान संशोधन संभव है, और अगर हो भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, सवाल है, सवाल गुस्से है ना? नहीं नहीं, हाँ। मिश्रा साहब, हाँ मिश्रा साहब, अच्छा ओके ओके जी। देखिए ऐसा है, जो उनकी कोशिश है वन इलेक्शन वन, जरा ऊंचा बोलिए, इंडिया को, इंडिया शब्द को संविधान से हटाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत, दोनों ही केसेस में, वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया को शब्द को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको दोनों सदनों से पास, पर उसके अलावा राज्यों की अनुमति भी देना आवश्यक है, बिकॉज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जितना आसान ये चल रहे हैं, और यही कारण है कि मोदी सरकार शासन में आई है, कारूर हुई है, दिन से ये जुडिशरी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट बनाया था, दोनों सदनों का पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसको अनुमोदन भी दिया, उसके बाद कोर्ट ने उस स्ट्राइक किया, और तब से लेकर चाहे वो मंत्री हो, लॉ मिनिस्टर हो और कोई मंत्री हो, या देश का उपराष्ट्रपति हो, या और संवैधानिक बैठे लोग हो, वो बराबर संविधान को बदलने की करते चले आ रहे हैं। ये सोचते हैं पास जनता ने इनको दिया है,
जिनके पास बहुमत है उसके आधार पर संविधान को समाप्त कर, संविधान से और जो अधिकार प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं इनकी कोशिश क्योंकि आप अगर संविधान बन रहा था तभी से लेकर संविधान का विरोध चला, इन्होंने कभी संविधान को सकारा ही नहीं है। अब इनको बहुमत मिल गया है लागे हैं, हालांकि इनको हटाने का कारण विपक्षी दलों ने अपनी लाइन्स का नाम दिया दे दिया, इससे ये बौखला गए और इनको फौरन और क्या कर सकते थे, ये इंडिया इस्तेमाल नहीं करेगी, भाई इंडिया इस्तेमाल उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो कितना आसान क्या। तो देखिए कुल मिलाकर इनके पास सोचते हैं कि इनके पास ये सब हाथ, इन्होंने इतने 9 सालों में कन्वेंशन तोड़ दिए, ट्रेडिशन तोड़ दिए, कन्वेंशन और ट्रेडिशन बहुत समय के साथ और उनकी आदर किया जाता है। इनके पास ना तो अपनी से वरिष्ठ आदर करने का इनका है, जैसे जिस प्रकार से पानी हुआ या यशवंत सिन्हा के साथ, वो स्पष्ट करता है, आवाज बहुत ही डिस्टर्ब है, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, अपने से वरिष्ठ लोगों को भी सम्मान, इसी प्रकार से किसी भी संस्था का गठन नहीं करते, जो लोग ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दुनिया भर में कहते हैं मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये क्या विपक्ष को ये स्वीकारती है, विशेष सत्र बुलाने से ना तो बात की गई। आखिर सोनिया गांधी ने उसने कहा कि इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, पर क्या इन्होंने माना, किसी सुझाव कोई मतलब नहीं, ये विपक्ष को ये चाहते हैं बल सब चलाए। आपने सवाल पूछा है करता है जी सर, तो माथुर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, अभी मिश्रा साहब ये कह रहे थे कि इन लोगों का संविधान में कोई खास विश्वास नहीं, इस सेशन में ये बात कही जा रही है कि जो संविधान सभा बनी थी उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं और हम उस संविधान सभा के जो अचीवमेंट हैं, उपलब्धियां हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। सवाल यह है कि संविधान सभा जिस वक्त संविधान बना रही थी उस वक्त तो आरएसएस उसका विरोध कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ये लोग ऐसा संविधान बना रहे हैं इसमें मनुस्मृति का कोई जिक्र ही नहीं है, भारत का संविधान तो मनुस्मृति में होना चाहिए, और उन्होंने इस संविधान को पूरी तरह से संविधान सभा की सारी कोशिशों को रिजेक्ट कर दिया था। अब ये सब होने के बाद ये लोग इस सेशन में वो जो डिस्कशन करने वाले संविधान सभा का महिमा मंडन करने वाले हैं, तो क्या ये अपनी परंपरा के खिलाफ जाएंगे या ये कि अपने जो पुराने पाप है उनको धुलने की कोशिश है? डॉक्टर देखिए ऐसा है कि इनकी मजबूरी समझिए, महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं वो इनके आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन सोर्स हैं, सबको पता है ये, लेकिन अब G20 हुआ तो महात्मा गांधी को महामंडित करना पड़ा, सब बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष वहां गए, तो ये एक मजबूरी है।
इसी तरह से संविधान है, संविधान सभा है या पुराने लोग हैं, उनको आप कैसे नकार सकते हैं? आप कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आप कैसे इतिहास को कैसे झुठला सकते हैं? तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, इससे बड़ा सीधा सीधा मामला है जो पूरा पूरा जो जैसे मैंने आपसे अभी कहा, जो डिसीजन लिया गया दैट वाज टेकन इन हाफ जल्दी में लिया गया, जिससे कि एंटी जो बातें इनके खिलाफ जा रही थी उनको हेडलाइंस ना मिले। अब इससे भी दो ही काम हो सकते हैं। देखिए, या तो यह है कि अगर इनके माइंड में इलेक्शंस कराने का है पार्लियामेंट के जल्दी, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था आपके फंक्शन में, अगर वो इनके माइंड में है तब तो इनको वोटों का अकाउंट लाना पड़ेगा जिससे कि पैसा सैंक्शन हो इलेक्शंस के लिए, वरना कहां से आएगा पैसा, इलेक्शन कमीशन कैसे करेगी इलेक्शन? तो या तो वो होगा, लेकिन वोटों का अकाउंट का कोई जिक्र उसमें आया नहीं है जो एजेंडा इन्होंने दिया है। अब हो सकता है कि कल बल आ जाए, मोदी साहब तो सरप्राइज देते रहते हैं देश को, तो हो सकता है ये भी हो जाए कल हो जाए। तो या तो ये होने वाला है, या ये है कि देखिए जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये तो बेबुदी में हो गया ये, अच्छा। या दूसरी बात ये हो सकती है जो मुझे लग रही है, वो ये है कि मोदी साहब जो है, देखिए युग पुरुष है ये आपको मानना पड़ेगा, तो वो ऐसा काम करते हैं जो कि समय के ऊपर छाप छोड़ जाए और उनके हिसाब से पीछे चलता रहे, जैसे कि बड़े बड़े काम किए इन्होंने। तो मुझे लगता है कि शायद ये चाहते हो कि भारत नाम अगर दे दिया इंडिया को, वो एक ऐसी चीज हो जाएगी जो कि ऐतिहासिक चीज हो जाएगी और वो युग पुरुष का अपना जो रोल जो है वो कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। तो ऐसा है कि अब और भी काम किए उन्होंने युग पुरुष बनने के, जीएसटी का सेशन आधी रात को बुलाया जैसे दारू जी ने बुलाया था, आपको पता ही ये सब आता है, ये सब है। लेकिन मैं नहीं समझता कि संविधान में कोई लार्ज स्केल चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बड़ा भारी। अगर भारत की बात कहेंगे सब लोग एग्री कर जाएंगे, हमारा क्या जाता है, अब भारत कही है मिल के हजबाज नहीं है मतलब, ठीक है। लेकिन जो पूरा अगर आपने दबदाब किया वो एग्री किया। दूसरी बात मुझे ये लगती है जो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल बेकार की बात है वन नेशन वन इलेक्शन, ये संभव ही नहीं है, इसी तरह संभव ही नहीं है। मेरी कई लोगों से बात हुई जो जानकार है, कहते हैं कि सवाल ही नहीं है, आपको इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ना आपके पास स्टाफ है, ना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, आपके पास ईवीएम भी नहीं है जो कि आप कर सकें। तो ये तो एक बात है, उन्होंने अच्छा एक जाहिर करी, चलिए कोई हर्ज भी नहीं है इसमें, पहले ऐसा होता ही था, उन्होंने कह दिया इसमें हम कोई उनसे विभेद नहीं रखना चाहते सब। अब ये जनता क्या करेगी क्या करेगी, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि या तो ये है कि यहाँ पर ऐसा होगा भारत का नाम बदला जाएगा, या वोट ऑफ अकाउंट अगर हो सकता है कल आ जाए वोट ऑफ अकाउंट की भैया हमें इलेक्शन करने हैं, क्योंकि ये तो लग रहा है कई इंडिकेशन आ रहे हैं कि उसके चुनाव जल्दी होंगे। और देखिए क्या होता है, परसों की बात है पता लग जाएगा, लेकिन ये सही बात है कि इस इश्यू को ला करके तमाम एक जो डिबेट हो रहा था क्या कहना चाहिए मुद्दों को, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया है और हम और आपके जैसे लोग भी बैठे यही बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा इस तरफ होगा। तो ये तो आप ये कहें कि मतलब इनका पॉलिटिकल स्किल है, दे आर एबल टू डिफ्लेक्ट द नेशनल डिबेट रियल इश्यूज अराउंड दैट, मेरे ख्याल से यही चाहते भी है, यही सब लोगों का बात है। देखिए क्या होता है उसकी, सब मैं आपके पास आखिर में आऊंगा। और इससे पहले मैं तिवारी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। तिवारी साहब, कुछ तो एजेंडा है जो कि क्लियर है और कुछ एजेंडा है जो हिडन है लेकिन लोगों को उसकी अपेक्षा है। तो मैं संक्षिप्त में ये जानना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है उसकी क्या तैयारी है, वो किस तरह से जो है वो इस सरकार के ये जो सारे एजेंडे हैं इनको हैंडल करने की तैयारी कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। जी साहब, आप देखिए, हेलो, देखिए जनतांत्रिक सरकार जो है वो जनता की भावनाओं की आदर करती है और जनतांत्रिक सरकार आंदोलनों से डरती है, शांतिपूर्ण आंदोलनों से डरती है, अहिंसक आंदोलनों से डरती है। और सरकार की मंशा ये रहती है कि कोई अहिंसक आंदोलन न चले ज्यादा दिन तक, कोई शांतिपूर्ण आंदोलन न चले ज्यादा दिन तक। सरकार की मंशा होती है कि उसको आप हिंसक कीजिए तो हिंसा को दबाना, क्योंकि सरकारी तंत्र के हिंसा के आगे जनता का हिंसा नहीं चल पाता, उसको आसानी से दबा लेते हैं। तो यह सरकार बार बार देश को और देश की जनता को और यहाँ के सारे दलों को उत्प्रेरित कर रही है कि आप हिंसा फैलाइए, आप हिंसक होइए, ताकि जब आप हिंसक हो जाएंगे तो ये
अपना पुलिस तंत्र से सेना से आपको दबा पाएगी कि हम क्या करें, क्या ये लोग हिंसा पर आमादा थे इसलिए इनको दबाना जरूरी हो गया था। तो यह सरकार बार बार हिंसा को आमंत्रित कर रही है और उसी के तहत ये ऐसी ऐसी गतिविधियां कर रही है कि जनता ऊब करके अंततः ये उठा ले कि भाई बैलेट पेपर असाम नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीजें आ रही है ईवीएम के लिए, ईवीएम क्या हुआ कि ईवीएम अभी सस्ती है, आप उसको वीवीपैट की आप पूरी गणना करवाइए तो उसको भी कर रहे हैं। और अब ये कहेंगे कि पूरे देश के पैमाने पर चूंकि इतना बड़ा चुनाव एक साथ कराना है, विधानसभा में कराना है, लोकसभा में कराना है, तो हमको जैसे तैसे फटाफट करा देना है। तो इनका एजेंडा यह भी हो सकता है कि अपना चुनाव आयुक्त वहीं से अपना सबको अपना ये निर्वाचन पत्र पर जारी कर दे, अपना सर्टिफिकेट दे देगा ताकि जल्दी चुनाव हो जाए और देश में संवैधानिक व्यवस्था जनतांत्रिक परंपरा अपनी बनी रह जाए। ऐसी स्थिति में जनता हिंसक हो जाएगी। अगर जनतांत्रिक तरीके से आप उसके उसके मतों का, उसकी इच्छा का अगर आप पालन नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो नेता लोग क्या इतना करें? जनता कब तक सब्र रखता है? कोरोना बंदी देखा, जनता ने पीएम केयर फंड, जनता ने ये राफेल घोटाला देखी, जनता जो जो अडानी अंबानी के वो जिम्मे पूरे देश की संस्था ये सारी संपदा करते जा रहे हैं, जनता में तो देखिए आक्रोश भरता जा रहा है, गुस्सा भरता जा रहा है। और इनका यह प्रयास यही है कि वह जनता का गुस्सा, जनता का आक्रोश इनके ऊपर फूट पड़े और उसको लेकर कि यह सेना के सहारे से अच्छा, क्योंकि आज की तारीख में इन्होंने सेना में भी कोई भर्ती नहीं किया है, भर्ती क्या किए हैं तो चंद अग्निवीरों को भर्ती किए हैं। मतलब ये एक तरीके से जो इनके यहाँ लाठी लेकर के एक फौज जो इनके तैयार है, अपना प्राइवेट सेना इनकी तैयार है, और जहां पर हर काम गोपनीय किया जाता है और वहां पर गुरुदक्षिणा कार्यक्रम होता है उसमें भी लोग डब्बे में ले जाकर के गोपनीय तरीके से दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो इनके यहाँ तो सारी गोपनीयता का प्राविधान है और गोपनीयता जनतंत्र में नहीं चलता है। जनतंत्र पारदर्शी व्यवस्था है, जनतंत्र विश्वसनीय व्यवस्था है और इनके यहाँ उसी का तो ये कुल जो उठा करके जो उनकी प्राइवेट सेना ये जिसके भरोसे कर रहे हैं, लेकिन वह भी चलेगा नहीं। और अपोजिशन विपक्ष तो विपक्ष है, वो अपना चाहे जो लोग कहें, आज की तारीख में जनता खड़ी है विपक्ष की तरफ, विपक्ष के लिए, पूरे देश की जनता को। तो कट गया है इंटरनेट मेरा। आखिरी सवाल यही था जो वो कह रहे थे कि इस तरह की ड्रामाबाजी का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि लोग बहल जाएंगे या कि जैसा त्रिपाठी साहब बता रहे थे अपने आक्रोश का जो है वो प्रकट करेगा? देखिए, जनता में एक असंतोष बहुत है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से लगातार बहुत सारी गलतियां कर रही है। और भारत जोड़ो आंदोलन जब से शुरू हुआ है अभियान, तब से हम देख रहे हैं कि जितने भी पोल्स है, इलेक्शंस है, सभी में बीजेपी मार खा रही है। अब माहौल ये बन गया है कि विपक्ष की एकजुटता बहुत बड़े पैमाने पे 1-to-1 फाइट के लिए तैयार हो गई है। और ऐसे में हर जो कोई पहल बनती है बीजेपी की तरफ से, थ्रू पार्लियामेंट हो या ऑर्डिनेंस हो, उसका मुकाबला किया जा रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता में जो बौखलाहट है वो मोदी जी के खिलाफ है और मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, शायद उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम है या उनका एडवाइजरी सिस्टम है या उनकी खुद की सोच है, वो एक घबराहट वाली है और वो घबराहट में बहुत सारी गलतियां कर रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आर्मी या इंटरनल उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जब जनता की आवाज बढ़ते जाती है तब ये कुछ काम नहीं आता है। हमारी आर्मी या हमारी इंटरनल सिक्योरिटी ये जैसे पाकिस्तान की है या और किसी देश की हो सकती है, वैसे नहीं है। मोदी जी अगर समझते भी होंगे कि वो उनके कंट्रोल में है, तो बात असल में ये है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो दिखावा भी है, इनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कंट्रोल में है, कुछ लोग थे, बट सभी सिस्टम नहीं हो सकता। और इसलिए कुछ हद तक कुछ लोग कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कंट्रोल करना
मुश्किल है। जहां तक हम जानकारी रखते हैं कि इस देश की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी जो है वो उनके ऊपर भी इंटेलिजेंस सर्विलेंस करती है, विल नॉट अलाउ देम टू डू सो। इसलिए एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थ्रू पार्लियामेंट और आउटसाइड द पार्लियामेंट इसके आगे के 8 महीनों में लिया जाएगा, उसको काउंटर किया जाएगा। और इसलिए हम आम आदमी जो सोच रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं नम्रता से कहता हूं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो रोज एक गलती कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये एक बहुत ही नाजुक सवाल था, जिसमें कि जितनी बातें सामने है उससे ज्यादा छुपी हुई है, और हमारे मेहमानों ने बहुत सारे पर्दे उठाए और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसका के उत्तर सरकार नहीं दे रही है उनका उत्तर देने की कोशिश की। और आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हम फिर आपसे किसी विषय पर मिलेंगे। और जाते जाते अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।